सो मैंने रिसेंटली ये सारे बुक को परचेस किया है। सो आज के वीडियो में मैं इसी बुक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि ये वाली बुक मुझे कहाँ से मिली और ये सारे बुक मैंने क्यों परचेस किया। सो फर्स्ट बुक है इमोशनल इंटेलिजेंसी बाय डैनियल गोलमैन। सो ये वाले बुक में बेसिकली आप ब्रेन फंक्शन के बारे में जानोगे दैट कि ऐसा क्या होता है आप इमोशनल हो जाते हो। जैसे कि हम सबको जानते हैं कि हमारे हमारे ब्रेन में एक फंक्शन क्या हुआ, एक प्रोग्रामिंग की हुई है कि ऐसे सिचुएशन में वो इसी तरीके से रिएक्ट करता है। सो ऐसा क्या होता है, कौन से सेल एक्टिव होते हैं और एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेस होती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन समझ लेता है कि ऐसा वाला सिचुएशन है और वो इमोशनल फीलिंग क्रिएट कर देती है, ऐसा मैसेज सेंड कर देता है, एंड देन हम सैड हो जाते हैं, उस तरीके की फीलिंग आने लग जाती है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जानने के लिए कि एक्चुअली हमारे ब्रेन में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से हम इस तरीके का बिहेव करने लग जाते हैं। सो दैट्स वाई मैंने इस बुक को परचेस किया। सेकेंड बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डैनियल कार्नेगी। सो ये वाले बुक को मैंने इसलिए परचेस किया क्योंकि इसमें वरीज़ के बारे में एक सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो आपके बॉडी के अंदर क्या करता है, मीन्स वो कितना खतरनाक है और उस चीज़ को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, बिकॉज़ वरी प्रॉब्लम आई थिंक हम सभी को होती है और उससे निकलना ही बहुत बेस्ट है, और हम सब कुछ चाहते हैं कि उस चीज़ से बाहर निकलें। सो इसमें बहुत सारे फैक्ट को दिया हुआ है और इन्होंने इस बुक में पार्ट 10 करके इस चीज़ को बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यप, इस बुक की अगर ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो इस बुक की मैं रिव्यू भी करने वाली हूँ नेक्स्ट। थर्ड बुक है द सेवन माइंडसेट फॉर सक्सेस हैप्पीनेस फुलफिलमेंट बाय स्वामी मुकुंदानंद। और आई थिंक स्वामी जी को आप सभी को जानते होंगे बिकॉज इनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे इन्होंने दो चैलेंज को कंडक्ट कराया है। फर्स्ट है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज जो कि 21 डेज का है, और सेकेंड हैप्पीनेस चैलेंज जो कि वो भी 21 डेज का ही है। अगर आप भी चाहते हैं इनके चैनल पर विजिट करना तो आप स्वामी मुकुंदानंद टाइप करेंगे तो इनका चैनल आ जाएगा। सो उनके समझाने का तरीका मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो जो एग्ज़ाम्पल देते हैं बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल होती है। उन्हीं के वीडियो में मुझे ये वाली बुक मिली और मैंने इसे परचेज़ कर लिया बिकॉज़ मुझे ये वाला टाइटल सेवन माइंड सेट फॉर अ सक्सेस ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया मुझे इसलिए। सो नेक्स्ट बुक है ये वाली बुक द फोर एग्रीमेंट। सो जब मैं सर्च कर रही थी पर्सनल डेवलपमेंट टाइप बुक तो मुझे वहाँ पे ये वाली बुक मिली, और इसके मैंने रिव्यू और जो रेटिंग देखी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और इस बुक के बारे में मैंने बहुत सुना था दैट अमेजिंग बुक है ये। और जो सबसे ज़्यादा मुझे इस बुक का अट्रैक्ट करता है वो ये, अ प्रैक्टिकल गाइड टू पर्सनल फ्रीडम। नेक्स्ट बुक है ये ब्रेविंग द विल्डरनेस। तो ये वाली बुक भी मुझे मिली जब मैं पर्सनल डेवलपमेंट टाइप बुक सर्च कर रही थी, तो मुझे ये वाली बुक भी वहीं पे मिली। और सबसे ज़्यादा इसकी कवर को देखिए, वाव, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इसका कवर। और बेसिकली मैंने इस बुक के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ी और मुझे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, एंड देन देखते हैं आगे मुझे ये बुक पसंद आता है कि नहीं, आपको रिव्यू में पता चल ही जाएगा। मैं सारे बुक का रिव्यू करने वाली हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन सारे बुक में से आप कौन से बुक पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। मैं उसी बुक की रिव्यू सबसे पहले लाऊंगी।